नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस समय हर तरफ सुर्खियों में है। जहां लोग फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका तीखा विरोध भी कर रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है। अनुपम ने हाल ही में हमारे एक चैनल में जुड़े कुछ मुद्दों की बात की और एक इंटरव्यू में उनका कहना है कि फिल्म को लेकर हो रहे विवाद, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान सहित हर मुद्दे पर उन्होंने बात की। केजरीवाल के बयान पर निशाना जताते हुए अनुपम खेर ने निराशा जाहिर की। वह एक पढ़े लिखे इंसान है, वह आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं, एक अनपढ़ गवार आदमी भी ऐसी बात नहीं करता। अनुपम ने आगे कहा कि उन्हें पता है कि केजरीवाल के बयान पर उनकी खूब खिंचाई होगी और लोग कहेंगे पूरी ब्रिगेड मेरे पीछे पड़ जाएगी, कहेंगे कि अनुपम खेर तो कभी कश्मीर में रहा ही नहीं, वो तो शिमला में रहा है, उसका एक न्यूयॉर्क में, उसका घर न्यूयॉर्क में है, एक घर अमेरिका में है। अनुपम खेर ने आगे बताया कि वह किराए के घर में रहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए बेबाक तरीके से बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे जिंदगी में ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए मैंने आज से 7 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं किराए के घर में रहूंगा और आज जिसकी फिल्म ने 200 करोड़ कमाए हैं वो किराए के घर में रहता है, इसलिए वो सिर उठाकर बात करता है। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स पहले ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों की घाटी से पलायन के मुद्दे पर बनी है। फिल्म के अनुपम खेर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे कलाकार हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।